सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब है खुद के बारे में खुद की राय, कि हम खुद को किस तरह देखते हैं। और लो सेल्फ एस्टीम का मतलब है जब आप खुद को कम आंकते हैं, यू सी योर सेल्फ एज अ फेलियर। लो सेल्फ एस्टीम के कारण लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ये फीलिंग ऑफ लो सेल्फ एस्टीम हमारी लाइफ के हर आस्पेक्ट को इम्पैक्ट करती है, कंट्रोल करती है। हमारा परसेप्शन खुद की तरफ और दूसरों की तरफ भी, यहाँ तक कि लो सेल्फ एस्टीम हमारी फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू माय मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट फॉर रियल सक्सेस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस। अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मेरी एम्पावर्ड कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। आज हम लो सेल्फ एस्टीम के बारे में बात करेंगे, उसकी फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे। याद दिला दूं कि हम अपने इन वीडियोस में सिर्फ फर्स्ट एड की बात करते हैं। किसी भी पुरानी और सीवियर परेशानी के लिए एक्सपर्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की ही सलाह लें। हम सब चाहते हैं हाई सेल्फ एस्टीम, और बिलियन डॉलर सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री की माने, यानी कि बुक्स, मैगजीन्स, प्रोडक्ट्स या प्रोग्राम्स, तो हमारी सेल्फ एस्टीम हमेशा हाई रह सकती है। लेकिन सैडली ना तो ये सच है और ना ही करेक्ट। करेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम और हाई सेल्फ एस्टीम दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। एक तरफ जहां लो सेल्फ एस्टीम के कारण लोग हर फेलियर के लिए खुद को ब्लेम करते हैं, तो वहीं वेरी हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग अपनी गलती मानते ही नहीं। इसीलिए सेल्फ एस्टीम के लिए एवरेज होना एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है, यानी कि न ज़्यादा और न कम। एवरेज सेल्फ एस्टीम इज़ गुड। और ये सच इसलिए नहीं है क्योंकि लाइफ में कभी न कभी किसी न किसी पड़ाव पर बाउट्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम होना नेचुरल है। और जब भी सेल्फ एस्टीम लो होती है, हम बहुत सारे दूसरे इमोशनल वूंड्स के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि सेल्फ एस्टीम है हमारा इमोशनल इम्यून सिस्टम। जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम लो होती है, वो रिजेक्शन और फेलियर्स के लिए ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। उनका मूड खराब रहता है, वो दुखी रहते हैं, पेसिमिस्टिक रहते हैं, लेस मोटिवेटेड रहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनकी रिलेशनशिप्स कम फुलफिलिंग हो सकती हैं, एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनकी सेल्फ एस्टीम उनसे बेहतर है। याद रखिए, एवरेज सेल्फ एस्टीम ही बेस्ट है, जहां हमारी फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि कम नहीं, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी स्टेबल, यानी हाई और फ्रजाइल नहीं। जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम एवरेज होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का रियलिस्टिक असेसमेंट कर पाते हैं। इसीलिए खुद के बारे में दूसरों के परसेप्शंस का भी सही असेसमेंट कर पाते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लो सेल्फ एस्टीम की। लो सेल्फ एस्टीम खतरनाक है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती। जब भी हमारे साइकोलॉजिकल मेकअप में कोई भी चेंज होता है, हमारे बिहेवियर्स में रिफ्लेक्ट होता है। जब सेल्फ एस्टीम लो होती है, हमारे बिहेवियर में दिखता है। फर्स्ट एड से पहले बात करते हैं उन बिहेवियर चेंजेस की जो रेड फ्लैग हो सकते हैं कि हमारा सेल्फ एस्टीम लो है या फिर लो हो रहा है। सबसे पहला बिहेवियर चेंज है सेल्फ डाउट। क्या आप अपने खुद की तरफ ओवरली क्रिटिकल हैं? क्या आप कुछ ट्राई करने से पहले ये मान लेते हैं कि आपके वश का काम नहीं है? सेकेंड, यू फियर फेलियर्स। क्या आपको लगता है कि आप करेंगे तो काम गलत होगा, कुछ गलती हो जाएगी? थ्री, आप नेगेटिव सेल्फ इमेज का शिकार हैं। आप अपने किसी फिजिकल एट्रीब्यूट के लिए क्रिटिकल हैं, वजन, कलर, हेयर या फिर कुछ और, या फिर
आप खुद को कम इंटेलिजेंट, कम हार्ड वर्किंग समझते हैं। फोर्थ, आप अपने मन की बात कह नहीं पाते। आप क्या फील कर रहे हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए, आप दूसरों को ये बता नहीं पाते, या फिर ये बताना आपको बहुत मुश्किल लगता है। इसी से कनेक्टेड है फिफ्थ बिहेवियर। क्या आप किसी भी बात पर माफ़ी मांग लेते हैं, आपकी गलती हो या ना हो, चीज़ें आपके कंट्रोल में हों या ना हों, या फिर कभी कभी आप अग्री करें या ना करें सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए आप आसानी से सॉरी बोल देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपोलोजाइज़ करें तो एक बार सोचिए ज़रूर कि किस गलती के लिए अपोलोजाइज़ कर रहे हैं। इसी के आगे नेक्स्ट बिहेवियर है, अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। सॉरी तो बोल दिया लेकिन साथ ही किसी और को ब्लेम कर दिया गलती के लिए, कभी लोगों को कभी सिचुएशंस को। सेवेंथ ऑन द लिस्ट इज दैट यू हैव डेवलप्ड बैड हैबिट्स, गलत आदतें, जैसे कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, किसी भी तरह का नशा, सिगरेट, अल्कोहल, सेल्फ मेडिकेशन, या फिर जब आप किसी सोशल सेटिंग में हैं तब बाइटिंग योर नेल्स, क्रैकिंग योर फिंगर्स, ट्वर्लिंग योर हेयर्स, क्लिकिंग अ पेन, ये सब आपकी लो सेल्फ एस्टीम के कारण एंग्जाइटी में होता है। एट्थ है कि आपको लगता है आपका भाग्य अच्छा है। जब भी कुछ अच्छा हो तो आपका ये मानना कि ये सब आपके भाग्य के कारण हो रहा है, और खुद के एफर्ट्स को, खुद के अचीवमेंट्स को कम आंकना। जब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें, आपकी तारीफ करें, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते बल्कि खारिज कर देते हैं, बिकॉज यू फील दैट यू आर नॉट वर्थी। नाइन्थ इज यू डोंट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म आइदर। आप क्रिटिसिज्म को बहुत पर्सनली लेते हैं। जब आप लोगों के बीच हैं तो क्रिटिसिज्म अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है। आप कैसा फील करते हैं जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं? डू यू टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और नॉट? या फिर आप दुखी हो जाते हैं, चिल्लाना चाहते हैं। याद कीजिए लास्ट टाइम जब आपके बॉस ने आपका प्रेजेंटेशन को मीटिंग में क्रिटिसाइज़ किया था, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपकी बनाई हुई किसी डिश के बारे में उसमें कुछ कमियां निकाल दी थी, कैसा लगा था आपको? और आखिरी है नॉट अ बिहेवियर बट अ बैड बॉडी पोस्चर। आप अक्सर सीधे बैठने की बजाय झुक कर बैठते हैं, झुके हुए कंधे, झुकी हुई गर्दन, नीची नज़रें, बैड बॉडी पोस्चर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी जन्म देता है, जैसे कि मसल स्टिफनेस, पेन्स, एक्सेट्रा। लो सेल्फ एस्टीम को ट्रीट करने के लिए, फर्स्ट एड करने के लिए ट्रीटमेंट नंबर वन है सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना, वो जो क्रिटिक यहाँ बैठा है उसे शांत करना, पॉजिटिव फीडबैक को, कॉम्प्लीमेंट्स को, तारीफ को एक्सेप्ट करना। इट इज़ ईजियर सेड देन डन। इसीलिए एक राइटिंग एक्सरसाइज कीजिए लगातार 3 दिनों तक। अपने पास्ट के 3 इवेंट्स पिक कीजिए जिनमें आपने फेलियर, एम्बेरसमेंट, ह्यूमिलिएशन या रिजेक्शन फेस किया हो और जिनके बारे में आप सेल्फ क्रिटिकल हैं। इनमें से कम एक इवेंट रीसेंट पास्ट से होना चाहिए। पहले दिन इनमें से एक इवेंट के बारे में डिटेल्स लिखिए, एग्जैक्टली क्या हुआ था, आपने कैसा फील किया था। अब इमेजिन कीजिए कि यही घटना आपके किसी बहुत ख़ास दोस्त या फिर बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर के साथ हुई है और वो इस घटना के बारे में टेरिबल फील कर रहा है। लिखिए कि वो कैसा फील करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। अब आप इस व्यक्ति को इमोशनल पेन में नहीं देखना चाहते तो इस दोस्त को लिखिए एक लेटर कि वो फील गुड करे, उसका इमोशनल पेन कम हो सके। एंश्योर कीजिए कि आप इस चिट्ठी में काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग और कंसर्न सब कुछ एक्सप्रेस करें। लिखें कि आप समझते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं और ये भी कि क्यों वो कंपैशन और सपोर्ट के हकदार हैं। अब एक बार फिर अपने एक्सपीरियंस को रिविजिट कीजिए ऑब्जेक्टिवली टू अंडरस्टैंड विदाउट बीइंग जजमेंटल
और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन में मुझसे गलती हुई थी, ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये मान लेना कि अब मेरे जूनियर्स मेरा मजाक उड़ाएंगे, कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा, ये जजमेंटल है। ये एक्सरसाइज 3 दिन तक कीजिए, जब तक आपके तीनों इवेंट्स के बारे में आप लिख नहीं चुके हैं, और रिपीट कीजिए तब तक जब तक प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन ऑटोमेटिक ना हो जाए आपके बिहेवियर में। इस ट्रीटमेंट से आपको 2 फायदे होंगे। पहला, इमोशनल रेजिलियंस बढ़ेगा, और दूसरा, आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी, सेल्फ क्रिटिसिज्म और पॉजिटिव फीडबैक की तरफ रेजिस्टेंस कम होगा। ट्रीटमेंट नंबर 2 है, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए और सेल्फ अफर्मेशन कीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं, सेल्फ अफर्मेशन, रियलिस्टिक अफर्मेशन। मतलब ये कि किसी इंटरव्यू से पहले मैं कर सकता हूँ, आई विल क्रैक इट, सिर्फ ये मत कहिए, बल्कि ये कहिए दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लॉयल, आई हैव इनफ एक्सपीरियंस फॉर द जॉब, हेंस आई विल मेक इट। इसके लिए भी एक रिटन एक्सरसाइज है। ऑन अ पेपर राइट डाउन योर क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड अचीवमेंट्स, जिन्हें आप मीनिंगफुल और सिग्निफिकेंट मानते हैं। कम से कम 10 ऐसी चीज़ें लिखिए, और जब भी आप ये लिख रहे होंगे तो कुछ नेगेटिव भी दिमाग में आएगा, उन्हें भी लिखिए, लेकिन एक दूसरे पेपर पर। लिस्ट पूरी होने के बाद पॉजिटिव लिस्ट में से एक आइटम सिलेक्ट कीजिए, और अब इस बारे में लिखें कि ये क्वालिटी, ये एट्रीब्यूट, ये अचीवमेंट आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या रोल है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है या फिर हो सकता है इन योर लाइफ। कम से कम एक बड़ा पैराग्राफ लिखिए। अब जब आपने ये ऐसे लिख लिया है, वो लिस्ट नंबर 2 नेगेटिव एट्रीब्यूट्स वाली, उसकी एक बॉल बनाइए और डस्टबिन में फेंक दीजिए। अरे रुको रुको, अभी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट डे लिस्ट नंबर 1 के अगले आइटम के बारे में लिखिए, वही एक बड़ा पैराग्राफ। और ये एक्सरसाइज तब तक हर रोज़ करिए जब तक आपने हर आइटम फ्रॉम द लिस्ट नंबर 1 लिखना लिया हो। ये एक्सरसाइज करते समय यदि कुछ और पॉजिटिव आपको याद आ जाए तो इस लिस्ट में उन्हें भी ऐड कीजिए और इनके बारे में भी लिखिए। इस ट्रीटमेंट को हर रोज़ तब तक अप्लाई कीजिए जब तक आपकी लिस्ट पूरी ना हो जाए, और रिपीट कीजिए जब भी ऐसी किसी सिचुएशन को फेस करने वाले हों जहाँ सेल्फ एस्टीम को झटका लग सकता है, जैसे कि कोई बड़ा एग्ज़ाम, कोई जॉब इंटरव्यू या फिर कोई डेट। वैसे तो ये सेल्फ अफर्मेशन एक रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि हमें कहाँ पता होता है ये कि कब झटका लग जाएगा। लेकिन झटका लगने के बाद भी ये ट्रीटमेंट बहुत कारगर है। ट्रीटमेंट नंबर 3, पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स की तरफ अपनी टॉलरेंस बढ़ाइए। जब लोगों की सेल्फ एस्टीम कम होती है, वो तारीफ, कॉम्प्लीमेंट्स और प्रेजेस को एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल होता है, बल्कि वो उन छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो नेगेटिव हैं। ये टॉलरेंस बढ़ाने के लिए याद कीजिए, जब आपके किसी करीबी ने आपको अप्रिशिएट किया था, आपकी तारीफ की थी, अब याद कीजिए कि क्या हुआ था, आपकी वो क्या क्वालिटीज़ हैं, वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं जिनके कारण उन्होंने पॉजिटिव फील किया था। अब ये सोचिए और समझिए कि उन क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स का क्या मायने हैं आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप के लिए, और इस क्वालिटी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उस रिलेशनशिप में और लाइफ में। इस ट्रीटमेंट का डोज वीक में कम से कम एक बार ज़रूर लीजिए, तब तक जब तक आप कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए कंफर्टेबल ना हो जाए। ट्रीटमेंट नंबर 4, सेल्फ कंट्रोल इम्प्रूव कीजिए। जब हम खुद के एक्शंस और रिएक्शंस पे कंट्रोल रखते हैं, हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, हम खुद को एम्पावर्ड फील करते हैं और अपने गोल्स की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं, और ये दोनों ही बातें सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती हैं। सेल्फ कंट्रोल और विल पावर बढ़ाने के लिए वही पुराना व्रत एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। व्रत तो वही है लेकिन नए अंदाज में। हर रोज़ दिन में 1 घंटा मौन व्रत रखिए, मोबाइल फास्टिंग कीजिए,
अगर आप राइट हैंडर हैं तो व्रत कीजिए कि सुबह 8 से 12 बजे तक राइट हैंड से कोई काम नहीं करेंगे, सब कुछ लेफ्ट हैंड से करेंगे। और अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो राइट से कीजिए। इसके अलावा आप व्रत कर सकते हैं पॉस्चर करेक्शन का, कि सुबह 8 से शाम 6 बजे तक आई विल नॉट लाई डाउन, आई विल नॉट स्लाउच, आई विल नॉट रिक्लाइन और लीन ऑन द डेस्क। कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा आपको ये व्रत का नया आइडिया। ये ट्रीटमेंट रोज़ फॉलो कीजिए, तब तक जब तक आपका सेल्फ कंट्रोल और विल पावर इम्प्रूव ना हो जाए। हम सबकी सेल्फ एस्टीम फ्लक्चुएट होती है, ऐसे लोग जिनकी सेल्फ एस्टीम अक्सर हाई रहती है उन्हें भी किसी एक बुरे दिन पर सेल्फ एस्टीम में डिप्स महसूस हो सकते हैं। लेकिन अगर ये टाइमली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किए जाएँ तो बहुत ईजीली और स्विफ्टली रिकवरी भी हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए जिनकी सेल्फ एस्टीम रेगुलरली और कंसिस्टेंटली लो रहती है, साइकोलॉजिकल वूंड्स का ट्रीटमेंट करके उनकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ सकती है। लेकिन याद रहे कि ये रातों रात नहीं होगा, इसके लिए सब्सटैंशियल टाइम, कंसिस्टेंट एफर्ट और डेडिकेशन की ज़रूरत है। अगर आपके पास रिक्वायर्ड टाइम, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन नहीं है बिकॉज योर सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी लो, या फिर आपने ये ट्रीटमेंट्स फॉलो किए हैं लेकिन सेल्फ एस्टीम अभी भी लो है, तो एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स की सलाह लें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए जो अच्छा लगा है वो, जो नहीं लगा है वो भी। जो कोई क्वेश्चंस हो, कोई कन्फ्यूजन्स हो, हमारी एम्पावर्ड कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी।